दोस्तों पेट गुरुजी में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि महीने में 1 से 2 वीडियो आप लोगों के लिए डॉग से रिलेटेड लेकर आया हूं, तो आऊंगा तो लो हाजिर हूं मैं। और ऐसी क्वालिटी आप देखिए कितने सारे पपीज हैं, सारे पपीज सतीश भाई आपको 1 by 1 दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे भी। तो सतीश भाई जो है यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है हमारे गुली गुली पेट शॉप पे। तो दोस्तों नंबर ले लेते हैं पहले उन्नत भाई से और उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। जी भाई उन्नत भाई नंबर बताइए। 9909992027। ठीक है, सतीश भाई को दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है डॉग के अंदर, तो वो आपको बताएंगे कौन सी ब्रीड है, क्या है, सब कुछ। जी सतीश भाई ये कौन सी ब्रीड है? हाय फ्रेंड्स, ये देखिए ये चाव चाव है और ये चाव चाव देखिए आप, फुल पॉपी देखिए, पॉपी की क्वालिटी देखिए। ये हस्की है, ब्लू आईज विद बुली कोट। और मतलब इसकी एज क्या होगी? इनकी 47 डे का है ये वाला पपी। ओके। और वैक्सीन डन है इसका और एक डिवॉर्मिंग डन है इसकी। ठीक है, ठीक है, ओके। पपी पूरा कंप्लीट। और पेपर कुछ मिलेंगे, पेपर विद केसीआई पेपर के साथ में है, विद केसीआई पेपर के साथ में है। ठीक है, तो सतीश भाई यहाँ पूछना चाहूंगा कि लोगों का ऐसा होता है कि भाई सबसे सस्ता पपी अपने पास कितना का मिल जाएगा और कहाँ तक रेंज जाती है? जैसी क्वालिटी होती है क्वालिटी के ऊपर है, जैसे सस्ता लेने आएंगे कम से कम आपको 7000 तक के से पपी स्टार्ट है हमारे पास में। अच्छा। और जैसी क्वालिटी के हिसाब से और जितना चैंपियन लाइन का पपी चाहिए तो फिर उसकी रेट बहुत ज्यादा हाई तक भी चली जाती है, ₹1,00,000 तक का भी और उससे ऊपर भी चला जाता है कभी। अच्छा, तो दोस्तों बहुत खूबसूरत है। देखिए साइबेरिया से जो है साइबेरियन हस्की है और माना जाता है कि चाव चाव ब्रीड जो है वो चाइना से है, बहुत गोलू मोलू से रहते हैं ये, तो बहुत खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे पपीज देखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा गुली गुली पेट शॉप जो है हमारे डॉग शो में भी हाजिर थी, वहाँ पर भी इनका इंटरव्यू हमने लिया था। डॉग शो अहमदाबाद का अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन डॉग शॉप है इनकी। डॉग शॉप का वीडियो नहीं देखा तो भी आपको मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर आप देख सकते हैं कि ये सफाई में मानने वाले इंसान है। अपनी पेट शॉप को इतना अच्छा रख रहे हैं तो आपके पपीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे। प्लस यहाँ पर आपको हॉस्टेलिंग की पपीज़, हॉस्टेलिंग की फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल है विथ रीजनेबल चार्जेस। उन्नत भाई का चेहरा दिखा देता हूँ, ये उन्नत भाई है और ये हमारे सतीश भाई है। देखिए डॉग हमारे पास में EMI पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, विथ इंश्योरेंस पे भी मिलेंगे आपको, ठीक है। दोस्तों इंश्योरेंस के लिए मैं खास यहाँ पर आया हूँ कि पपी लेने के बाद आपको डर रहता है कि पपी कितने साल जिएगा, तो वो टेंशन अब आपकी दूर होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की, देखिए इंश्योरेंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, EMI पे डॉग मिलेगा। मेरे काफ़ी दर्शकों ने कहा है कि भाई EMI पे डॉग चाहिए, तो जैसे 60, 70, 80,000 रुपये का आप iPhone खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर आप डॉग भी खरीदते हैं तो अब EMI पे मिलेगा। लगभग किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको उन्नत भाई बताएंगे। उन्नत भाई थोड़ा रोशनी डालिए इस पर। हाँ जी अजू भाई, EMI का जो है उसके लिए काफ़ी कस्टमर्स का फ़ोन भी आता है और काफ़ी कुछ उसका डिमांड रहता है कि EMI पे हम लोग को चाहिए। इसके लिए हम लोग ये EMI का ऑप्शन लेके आए। और EMI के अंदर कैसा है कि आपको आपके बैंक का, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए। लोग बोलते हैं कि बजाज के कार्ड पे हो जाएगा, बजाज के कार्ड पे EMI नहीं हो पाएगा। क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा आपका, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा चलेगा। मैं क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI करके दे दूँगा, उसमें आपको बर्ड लेना है, डॉग लेना है, कुछ भी लेना है, उसमें आपको EMI हो जाएगा। और प्लस इंश्योरेंस का है, तो इंश्योरेंस के अंदर ऐसा है, हमारा बजाज अलियांस के साथ टाई अप है, तो आपको बजाज अलियांस का इंश्योरेंस मिलेगा। मैं उसका ऑफिशियल एजेंट हूँ बजाज अलियांस का, तो उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है 1000-1200 रुपये से। इंश्योरेंस स्टार्ट है डॉग के। अभी मेरे पास आप कोई भी डॉग लेते हो तो अभी डॉग लेने के बाद तुरंत ही आप इंश्योरेंस करा सकते हो अपने डॉग का। इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आपके डॉग को कुछ होता है तो उसका मेडिक्लेम भी कंपनी पास करके देती है। फिर आपको समझो कि आपके डॉग ने किसी को काट लिया, तो सामने वाला बंदे ने कुछ एक्शन लिया तो उसका भी रिकवर कंपनी करके देती है। फिर समझो कि आपका डॉग कुछ हो गया, आपके डॉग को कि मेडिकल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरे डिटेलिंग में मैं आप जब लेने आओगे तब समझा दूंगा। बट मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसी 6000 रुपये की है और मिनिमम 1000-1200 से स्टार्ट है। और मैक्सिमम 1 साल की ये मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल का प्रीमियम 6000 मैक्सिमम आएगा। और एक साल का 1200 रुपये मिनिमम है। और EMI पे इंटरेस्ट क्या रहेगा? वो ही जो क्रेडिट कार्ड कंपनी, हाँ क्रेडिट कार्ड कंपनी लगाएगी। मैं 1 रुपये चार्ज नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ का। मेरे एक ही फंडा है कि मेरे पास से जो भी पपी ले जा रहा है वो हैप्पी कस्टमर हो, मतलब मेरे इधर से अच्छे फैमिली में पपी जाना चाहिए। सबसे मेरा फर्स्ट थिंग मैं उसके देखता हूँ कि ये बच्चा सही ढंग से अच्छे फैमिली में जा रहा है, वो अच्छे से देखभाल करेगा तो ही मैं उसको पपी देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इंश्योरेंस और EMI दोनों ही अवेलेबल है, प्लस डॉग का टिफिन भी अवेलेबल है, बोर्डिंग भी अवेलेबल है, ग्रूमिंग, डॉग क्यों आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, वॉक करवाना चाहते हैं और फिर पार्टिसिपेट करवाएंगे अपने आप डॉग शो में तो आपका डॉग जरूर जीतेगा। सतीश भाई, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नया अब क्या दिखा रहे हैं? आप अब आपको गोल्डन रिट्रीवर विद UKCI पेपर के बाद, ठीक है, UKCI के पेपर के साथ दोस्तों आपको गोल्डन रिट्रीवर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, जबरदस्त दोस्तों, ठीक है। जमीन पे भी दोस्तों आपको छोड़ के दिखा दें, आपके लिए मेरे को जमीन पे बैठना पड़ेगा लेकिन बैठ लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पपीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्लेफुल और बिल्कुल ही एक्टिव। तो दोस्तों इसमें इनके पास ये पूरी पेयर है, ठीक है, और दूसरी एक और पेयर भी पीछे है, ठीक है, उसको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो सेम टू सेम ही है और इसी तरीके के हैं, लेकिन है गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है। अब दोस्तों आज के वीडियो की जान, जो आपने प्रोमो में देखा, वाइट हस्की जल्दी देखने को नहीं मिलता, कलरफुल हस्की तो बहुत देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी ब्लू आइज देखेंगे, सतीश भाई ने कहा कि ब्लू आइज इसकी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, नहीं दिख रही है अच्छे। अभी मैं आपको फोक्स लगाऊंगा, आप दिखेगी, देखिए ये, देखिए ये दोस्तों इनको भेड़ियों के बहुत नज़दीक माना जाता है कि ये बहुत भेड़ियों के नज़दीक वाली एक ब्रीड है और ये ठंडे प्रदेश में है, लेकिन अब भारत में पूरी तरीके से ये नेचर को अडॉप्ट इन्होंने कर लिया है। चलिए नीचे खेलते हुए इसको देखते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों, देखिए इसका प्लेफुलनेस, नेचर देखिए आप। मज़ा आ गया दोस्तों इसको देख के। आपने दोस्तों देखा होगा कि बर्फ़ में ऐसे ही कुछ ये हस्की जो है गाड़ियाँ खींचने का काम किया करते हैं, बर्फ़ में ऐसे ही हस्की होते हैं बहुत। और ये वूली कोट में, ये वूली कोट में, फुल वूली कोट में है, KCI पेपर के साथ में, विथ पेपर के साथ, ओके। माइक्रोचिप भी आपको मिल जाएगी, आपको अपने जो वेटरनरी होता है उसके पास जाके लगवानी रहेगी, बहुत माइनर सी प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। 2 वैक्सीन कंप्लीट है इसकी। अब दोस्तों देखिए लेब्राडोर आपके सामने चॉकलेट कलर में है और बहुत मस्ती खोर है, मैं इसको कैमरे में भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतना एक्टिव है ये, ठीक है, देखिए। और ये मेल है दोस्तों, बहुत खूबसूरत, चॉकलेट कलर बहुत जल्दी दोस्तों नहीं देखने को मिलता, ब्लैक और टेम जो कलर है वो आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इसको हमने अंदर डाल दिया है बिकॉज यहाँ बाहर थोड़ा सा हमने ग्रास वगैरह किया है तो थोड़ा सा डर लग रहा है हमें कि कहीं यहाँ पे पोटी ना कर दें, इसलिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पपी निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी पपीज़ है सारे वैक्सीनेशन विथ सर्टिफिकेट है, इसलिए हर एक पपी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पर पपी जो है आपको पेपर के साथ ही मिलेंगे और वैक्सीनेशन के साथ ही मिलेंगे, डीवॉर्मिंग के साथ ही मिलेंगे। अभी ये कल्चरल पॉम है, ओरिजिनल दोस्तों टॉय ब्रीड इसको कही जाती है, ठीक है। इसकी साइज इससे ज़्यादा बढ़ेगी उन्नत भाई या फिर थोड़ी लिटिल बिट बढ़ेगी, बाकी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये। अच्छा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसका। आप साइज देख पा रहे हो, हाँ। ये मेरे हाथ से थोड़ा, इसके बाल है इतने ज्यादा, वरना ये मेरे हाथ जितना ही है, इतना ही है, मतलब इसको एक हाथ से कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं आराम से, आप कैरी सकते हैं, कैरी, ओके, एक हाथ से देखिए आराम से दोस्तों आप कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही देखिए, अरे मजा आ गया, बहुत खूबसूरत कुद के लगाता हुआ दोस्तों, ठीक है, ये देखिए। तो जिस किसी को चाहिए गुली गुली पेट शॉप को कांटेक्ट करें। उन्नत भाई का एक और बार नंबर ले लेंगे, उन्नत भाई नंबर बता दीजिए। 9909992027, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके डॉग्स के अंदर तो इनकी पेट शॉप पे वेटरनरी डॉक्टर का भी कांटेक्ट नंबर है, तो आपको कांटेक्ट भी करवा देंगे। ऐसा नहीं कि पप्पी बेच के ये आपसे कस्टमर सर्विस पूरी मिलेगी। इधर काफ़ी कस्टमर की डिमांड रहती है कि हमारे एक बार ले जाने के बाद ये लोग कस्टमर सर्विस नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ले जाने के बाद हमारे इधर से आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि पपी को कैसे रखना है, क्या करना है, और सब कुछ आपको समझाया जाएगा कि ये ले जाने के बाद इसकी कितनी कितनी केयर रहती है। ठीक है। और काफ़ी कस्टमर को, काफ़ी दूर दूर के कस्टमर है, राजकोट साइड है, भावनगर साइड है, उन लोगों को काफ़ी कस्टमर मेरे पास आते हैं और प्राइस के अंदर वो लोग बोलते हैं कि प्राइस इतना ज़्यादा है ना कम है ना। हमारे इधर क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी मिलेगी, प्राइस के अंदर लिटिल बिट नेगोशिएशन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा सर। ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों इनका प्राइस जो है वो मार्केट से काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो दोस्तों छोटा सा डॉग शो तो मैंने आपका यहीं करवा दिया। सोचिए इतने सारे पपीज़ आपको देखने को मिल गए, क्या बात है। ये भी सुपर एक्टिव है। ठीक है। तो डॉग EMI पे मिल रहा है, इंश्योरेंस पे मिल रहा है, आपको कंप्लीट तरीके से तैयार पपी मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों की अहमदाबाद के अंदर जो बेस्ट डॉग शॉप मैं कहूँगा अभी तक मैंने जो देखी है वो तो गुली गुली ही है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कहना चाहूँगा कि गुजरात पेट सोसाइटी जो है पहला सेमिनार 19 मार्च 2023 को करवाने वाला है, संडे के दिन, जिसके को स्पॉन्सर गुली गुली पेट शॉप है। तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में गुजरात पेट सोसाइटी डॉग्स के ऊपर भी काम करने वाली है, तो ये सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं और ऐसे ग्रुप्स को जो है वो स्पॉन्सर प्रमोट भी कर रहे हैं दोस्तों। बीगल भी है। चलिए अब दोस्तों दूसरा पपी देखते हैं। अब दोस्तों सारे पपीज़ को हम नहीं निकाल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने 2 हस्की देख ली, एक और हस्की भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। अब हमारा फोकस होना चाहिए शिजू के ऊपर। वाओ, शिजू एक स्मॉल डॉग ब्रीड है, इसके अंदर भी 2 साइज आती है, कॉम्पैक्ट साइज और रेगुलर साइज। हाँ। ये रेगुलर साइज है ना? ये रेगुलर साइज है। ज़्यादातर लोग जो है रेगुलर साइज पसंद करते हैं, उसका ये वजह है दोस्तों कि इनके बाल बहुत बड़े होते हैं और इसकी पोनीटेल वगैरह बनवाते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे पास भी आ गया है, ये बहुत प्यारा है, कुल्लू मुल्लू सा बिल्कुल, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। वैसे मैं एक कह दूँ कि मैंने कभी डॉग पाला नहीं है, लेकिन इनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शिजू ब्रीड दोस्तों वैसे डाउटफुल है कि कहाँ से है, लेकिन माना जाता है कि ये चाइना से है ब्रीड, और बहुत छोटी सी नाटी सी है। फ्लैट्स के अंदर आप आसानी से इनको रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ज़्यादा खाना भी नहीं खाती। और मेंटेनेंस में इतना है कि इसका कोम आपको करना पड़ेगा, इसका जो बाल होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। चलिए अब दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर जो है वो जर्मन शेफर्ड है, सिंगल कोट में, इसलिए हम आपको इतना नहीं बता रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंगल कोट में किसी कस्टमर के यहाँ पर दोस्तों हॉस्टेलिंग में आए हैं। हाँ। देख लीजिए आपको मैंने कैसा डॉग शो करवा दिया, मिनी डॉग शो, और पूरा अहमदाबाद का डॉग शो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अभी से डॉग बदमाश हो रहे हैं, देखिए चॉकलेट लैब, देखिए चॉकलेट लैब। हाँ, मज़ा आ गया दोस्तों। तो उन्नत भाई का और सतीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना हमको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट करवाया। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। ठीक है। तो आप लोग अगर दोस्तों ज़िंदगी में रिफ्रेश रहना चाहते हैं तो पेट्स पालिए, चाहे बर्ड पालिए, डॉग पालिए, पर कुछ भी एक पेट आपके घर में होना ज़रूरी है जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो सतीश भाई और उन्नत भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी हेल्प की। चलिए मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।